दोस्तों त्यागी जी टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, न्यायालय दो प्रकार के होते हैं। एक सिविल न्यायालय होता है और दूसरा होता है दंडात्मक न्यायालय। ठीक है, सिविल न्यायालय में चलते हैं आपके जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे, और दंडात्मक न्यायालय में चलते हैं आपके जो फौजदारी से संबंधित जो मुकदमे हैं, यानी जो लड़ाई झगड़े मारपीट उनसे जो संबंधित मुकदमे हैं वो चलते हैं दंडात्मक न्यायालय में। तो जो न्यायाधीश सिविल न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई करता है उसे कहा जाता है न्यायाधीश, और जो दंडात्मक न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई करता है उसे कहा जाता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो केवल दंडात्मक न्यायालयों में ही होता है। आपने कई बार सुना भी होगा एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सेशंस जज। तो एडीजे या सेशंस जज जो होते हैं वो दंडात्मक प्रकृति के जो वाद होते हैं केवल उनकी सुनवाई करते हैं, बाकी जो जमीन जायदाद से संबंधित आपके वाद होते हैं उनकी सुनवाई होती है दीवानी न्यायालय में, यानी उनको सुनते हैं आपके न्यायाधीश। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।